So they need lights because they want to see you all laugh. I doubt that. I doubt that's going to happen. I'm performing like after 3 months. Yeah. And I don't have any confidence over my jokes anymore. My sense of humor has changed. And I don't find things funny what I write. So bear with me tonight, okay? Yeah, eight number. Yeah. Two. That's it. Bus. Itna I deserve karta hai. Yeah. Hi guys, my name is Gilhari. Obviously, I changed my name because I couldn't write any jokes on my real name. I changed my name and I was like, ye ab main is pe jokes likhunga. But ab mere alawa sab log is naam pe jokes likh rahe. Ek mera dosta hai, dosta ke bolta hai, bro, tumne itna naam Gilhari kyun rakha? तो जानवरों पे नाम रखना था तो गाय रख लेता, तेरा नाम शुद्ध हो जाता। I'm like, bro, फिर मैं नहीं चाहता ना कि तू मेरा भी मूड पीना चालू कर दे। Like, yeah, dude, मैं इंट्रोड्यूस, इमेजिन मेरा नाम गाय है, ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाय माय नेम इज गाय, और लोग हाथ घुमा दे रहे हैं, हाथ पे दो बुन मूड तो पहले। मैं सो के उठ रहा हूँ, मेरी पड़ोसी खाली बिस्तर का बॉटल लेके खड़ी मेरे सामने, बेटा आधा मुद दो इसमें, पतंजलि को आनंद दे आज। या सुना है रामदेव बाबा हाथी से गिर गए। या गुड, आई गाइस अप फॉर अ स्टोरी? या यू गाइस लाइक अ स्टोरी? आई टेल यू अ स्टोरी, ओके? तो जब मैं छोटा था तो मैं एक दिन रास्ते पे जा रहा था, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ, और मेरे को एक बंदा दिखा, उसके बालों में ड्रेड लॉक्स थे। यू ऑल नो व्हाट ड्रेड लॉक्स आर? या और मैं देख के शॉक हो गया क्योंकि मैं पहली बार किसी को ड्रेड लॉक्स में देखा था। I was like, मम्मी इसके बाल ऐसे क्यों हैं? So my mom replied, गांजा फूकता दूर रास्ते। So I realized गांजा फूकने से बाल घुमराले हो जाते। तो मैं कभी नहीं फूका फिर। Yeah, but then I found a friend who smokes up a lot. Like he smokes up so much that he starts speaking scientifically. He starts inventing shit which are already invented. लेकिन एक दिन मेरे पास आया, मेरे पास आके अपने फोन का रिकॉर्डर चालू करते, बोलते ब्रो रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने पूछा क्या? तो बोलता है सन्नाटा। आई एम लाइक सन्नाटा की रिकॉर्ड कर रहा है। तो बोलते ब्रो रिकॉर्ड होने दे। उसने अपने फोन में 3 घंटा 45 मिनट और 32 सेकंड का सन्नाटा रिकॉर्ड किया, पिन ड्रॉप साइलेंस। या और ये 3.5 घंटे बाद मैंने उससे पूछा तू सन्नाटा रिकॉर्ड कर रहा था? तो बोलता है ब्रो मेरे को एक बहुत ही साइंटिफिक आइडिया है, अगली बार मैं किसी भी क्राउडेड एरिया में रहूंगा और मुझे शांति की जरूरत होगी तो मैं ईयरफोन लगा के सन्नाटे का रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। या हैव यू गाइस हर्ड दैट कोट, नो नॉलेज नो प्रॉब्लम, हाफ नॉलेज बिग प्रॉब्लम? या या ये इसका ब्रांड एम्बेसडर है। एक दिन इसके पे स्विच बोर्ड फटा, आग लग गई, इसकी माँ एक बाल्टी पानी फेंकने चली गई। इसने अपनी मम्मी को रोक दिया, मम्मी ने स्कूल में सिखाया था पानी बिजली का गुड कंडक्टर है, आग बढ़ सकती है। तो उसके मम्मी ने कहा हाँ फिर अभी क्या करने का? तो बोलता है फिर बैड कंडक्टर फेंकते। उसने आग में लकड़ी फेंक दिया गाइस, इज नो मोर। बट आई रियली लाइक हिम यार। आई मीन एक दिन आके मेरे को बोल, ही यूज्ड टू टॉक, ही वाज द यू नो आइकन ऑफ टॉकिंग डम। One day he came up to me and he was like, bro, मेरे को समझ में नहीं आता है, लोग बोलते हैं मेरी बात सुन ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ और फिर खुद का हाथ जोड़ लेते हैं। Yeah, dude. I recently fall in love with this actor called Akshay Kumar. Yeah, of course, Akshay Kumar jokes, necessary. I recently fall in love with him and because Akshay Kumar has been in every single movie in past 3 years. 4 years now, like every single movie, he comes up and he is like, "Fufu mat karo, sign trap mein lo." And Nandu is like, "Bro, but main ladka hoon, main iska kya karu?" He's like, "Nahi, sign trap mein lo, isme hero gir gaya." And Nandu convinced, uske haath ka cigarette zameen pe gir jata hai, dude. And since Akshay Kumar said this, even I am convinced. I stop smoking cigarettes. Now every time I feel like smoking cigarettes, I buy sanitizer napkin. Yeah, dude, मेरी मम्मी परेशान है। मम्मी बोलती है, बेटा महीने में एक बार लाओ, तो रोज़ रोज़ क्यों लाओ? दिन में 2 बार वो भी। सुबह हारने के पहले, खाने के बाद। I'm like, बस अक्षय कुमार ने बोला मम्मी।
पहले मैं टपरी पे माल पर एडवांस ले रहा था, अभी मैं मेडिकल में विस्पर एडवांस ले रहा हूँ. या आई ओनली विश टपरी वाले भी ऐसा सिगरेट को पेपर में रैप करके देते तो मेरे को किसी का सड़ा हुआ गला नहीं देखना पड़ता फूकते वक्त. यू एग्री टू दैट राइट? यस. यप. यू डोंट इवन स्मोक ब्रो. व्हाट द फक. या डूड, बिकॉज़ अक्षय कुमार सेड इट. ओके, अक्षय कुमार सेड इट. अक्षय कुमार इज वेरी कन्विंसिंग, लाइक एक्सट्रीमली कन्विंसिंग. ही इज सो कन्विंसिंग, मोदी ने उसको सामने से इंटरव्यू दिया, तू क्वेश्चन भी ले तू आंसर भी ले. Yeah, dude. He had the opportunity of questioning the Prime Minister of our country. And what the fuck did he ask? आप आम कैसे खाते हो? To the Prime Minister of our country, आप आम कैसे खाते हो? And Modi's also like, मैं गांठ से रोटी खाया, क्या पूछा तू? But cameras were rolling, okay? And he had to be honest. So Modi replied the most honest reply ever. He was like, देख बेटा मुझे काटना पसंद है. वो टकला दिखना जा रहा है चल के अमित शाह, उसको चूसना पसंद है. या बिकॉज अक्षय कुमार सर. यप. ही हैड टू रिप्लाई. डू यू गाइस एग्री स्मोकिंग किल्स? या या इवन आई एग्री टू दैट फैक्ट. एक दिन मेरा दोस्त आया, दोस्त आके बोलता है ब्रो आई रेड दिस फैक्ट ऑन इंस्टाग्राम, इफ यू स्मोक वन सिगरेट इट रिड्यूसेस टू डेज ऑफ योर लाइफ. मतलब अगर तुम लोग एक सिगरेट फूकोगे तो जिंदगी का दो दिन खत्म. फॉर द फैक्ट आई नो दिस इज अनट्रू. ओके, आई हैव अ फ्रेंड हु स्मोक्स अप अ लॉट, लाइक अ लॉट. वो इतना फूकता है, अगर वो अभी इस वक्त एक सिगरेट फूकेगा उसका आज से दो दिन माइनस होगा. वो दो दिन पास्ट में जाके मरेगा. टाइम ट्रैवलिंग बहन चोद सिगरेट से, तुम लोग समझ रहे हो. वो बहुत फूकता है. वो इतना फूकता है, अगर अक्षय कुमार देशभक्त है तो वो पाकिस्तानी है. वो इमरान खान के जाकर इंटरव्यू ले रहा है, आप आम कैसे खाते हो? बट अगेन इमरान खान वाज आल्सो ऑनेस्ट. ही वाज लाइक जनाब हम यहाँ आम नहीं अनार खाते हैं. यार डू हु एम आई किडिंग? आई डोंट जोक एनीमोर गाइस. आई एम डन राइटिंग कॉमेडी. आई फील लाइक jokes that I have written is not funny anymore. At least for me. I don't know about you guys. So I'm just going to do what I find actually funny. Writing poem about my trauma. There's no joke. There's seriously no joke. It's just a pure Hindi poetry. I'm sorry if you don't know Hindi. Because it's in Hindi. Can you guys hear me? Yeah? Give me like 2 more minutes, okay? I'm sorry this had to happen. I'm done doing comedy. So I call this poem. And seriously, there's no jokes here. It's just what I feel about myself, what I feel about comedy. And since this is a mixed bag open mic, I thought I should use this opportunity to do something apart from comedy. क्यों तोड़ू मैं रोटी लगे कांच तोड़ता हूँ, क्यों चलने चार कदम रोज गुल्लक फोड़ता हूँ, क्यों सुनने तारीफ अपनी रोज नींद छोड़ता हूँ, क्यों पहुंच के मंजिल रोज राह मोड़ता हूँ. विलास जमा सपनों में, खर्चा जरूरतों का, आदत सी अबालस अबरकतों का, बावर्ची विचार का, उम्मीद शरबतों सा, कार्य मेरी आजादी हूँ गुलाम हरकतों का. न जाने किस डर से, न जाने किस भय से, तीन अलग किरदार दिन के तीन अलग समय में, रोह की हंसू जैसे भावनाओं का प्रलय है, समझ के पार ये जज्बात जैसे उलझन का उदय है. विजय है रातों पर, है दिल में बेचैनी, जैसे सजा है मन कहे दिल की ये वाणी. सोच खुली आंखों से, शब्द जैसे चंचल गिलहरी,
अकेलेपन का शिकार मैं, बावलापन मेरा शिकारी। प्रदर्शनों से रही सी हूँ दर्शकों का भिखारी। थैंक यू भाई साहब।